السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, अभी कुछ देर में हम जरा करते हैं स्टार्ट। अटेंडेंस लगवा लेते हैं पहले जरा। अभी फिजान मुस्तफा लास्ट क्लास में नहीं था? यस सर। आप लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे? यस सर, मेरा वो इंटरनेट का इश्यू हो गया सर। शेर बिन मारूफ ने भी क्यों ज्वाइन मीटिंग आज? अस्सलाम वालेकुम सर। शहीर बिन मारूफ ने क्यों मीटिंग ज्वाइन? अच्छा, अटेंडेंस की सूरत हाल जो है ना वो कुछ मुनासिब नहीं है। इसमें कुछ लोग शॉर्ट अटेंडेंस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है क्योंकि ऑब्वियसली अभी कुछ लेक्चर्स बाकी हैं और जो उनका ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है, वो यही शो कर रहा है। कौन करीब एक दो और छुट्टियां कर लेंगे। अब जी आपने अब नेक्स्ट में कोई छुट्टी नहीं करनी सर। ये शहीर का क्या, शहीर बिन मारूफ का, इसको जरा करें कांटेक्ट, ये लैब अटेंड करे, ज्वाइन करे मीटिंग्स, नहीं तो इवेंचुअली इसी तरह एब्सेंटीज के साथ तो ये ऐसे हो जाएगा। मैंने किया है, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ। अटेंडेंस को थोड़ा सीरियस लें, ये कोई छोटे लेवल पे स्कूल नहीं है या मदरसा नहीं है कि कारी साहब घर इतला देंगे और बच्चों को जो है वो क्लास में लेके आ जाएगा। थोड़ा मिच्योर हो जाएं, ठीक है। अगर आप नहीं भी मिच्योर होते तो उसका कोई इशू नहीं है, उसके लिए ऑब्वियसली शॉर्ट अटेंडेंस की पॉलिसी मौजूद है, ठीक है। तो बजाय खुद अपने आप को रुसवा करने से बेहतर है कि आप लोग लेक्चर्स लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम जो है वो मुकम्मल करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जो सुबह आपने मुझे मेल की थी तो वो आप मैसेज कन्वे कर दे बच्चों तक। वो आपकी ड्यूटी लगाई थी, आपने संभाल के रखा वो मैसेज? नहीं सर, संभाल के नहीं, वो असल में मैंने कहा था कि मुझे आपकी बात की कुछ बात समझ नहीं आई थी, जो आपने एलएमएस पे लिखा हुआ है कि अच्छा कि आपके आस्ते आस्ते मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डिटेक्ट होंगे मार्क्स। अच्छा जी, ये है कि लैब रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, ना कि आपके 10 मार्क्स के लिए मैंडेटरी हैं, बल्कि वो मैंडेटरी हैं टू सिट इन द फाइनल एग्ज़ाम। अगर किसी की लैब रिपोर्ट्स प्रॉपर तैयार नहीं होती, ठीक है, तो वो एक मैंडेटरी कंपोनेंट है हमारे सेशनल्स का, तो फिर वो जो पर्सन है वो नेक्स्ट आगे फाइनल्स या उस तरह वो कंटिन्यू नहीं करेगा। और इसके अलावा जो लैब रिपोर्ट है उसके 2 मार्क्स हैं हर लैब के अंदर, ठीक है। अब जो फाइल अपलोड हुई हुई है वहाँ पे और जो उसके अंदर कमेंट्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग द मार्क्स ऑफ द लैब रिपोर्ट, वो ये है कि अगर कोई बंदा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, लैब रिपोर्ट्स नहीं जमा करवाता तो उसके जो मार्क्स उसको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं उसमें से -2 हो जाएंगे। वो मार्क्स जो हैं वो
ये अज्यूम करके किया गया कि लैब रिपोर्ट्स और इस तरह के सारे जो फीचर्स हैं वो सारे मुकम्मल हो गए, तो बजाय कि उसको मैंने 8 मार्क्स में से एवेल्यूएट करने के, रफली उसको 10 मार्क्स में से किया हुआ। तो उसका होता ये है कि जब वो 8 में से देखते हैं कि उनके लड़ से 6 हैं या 7 हैं, तो वो ये अज्यूम नहीं करते कि उनके इसमें 2 मार्क्स ऐड होंगे, इट फील्स लाइक ए बड़े कम नंबर, ठीक है। सो उनको एक रफ पिक्चर के तौर पे आउट ऑफ 10 आप सबको वहाँ पर एवेल्यूएशन नज़र आ रही, ठीक है। और वो अगर आप कोई भी जो है वो जब लैब्स रिपोर्ट्स को देखा जाएगा, तो जिस जिस की लैब रिपोर्ट जिस जिस लैब में मिसिंग होगी, पर्टिकुलरली उस लैब में उसके वो जो अभी अज्यूम करके 2 मार्क्स हैं ऑब्वियसली वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब वो लैब रिपोर्ट्स चूँकि ऑन एंड ऑफ एक पैरेलल में जो है वो न्यूज़ गर्दिश करती रहती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के, कभी अदारों को ओपन होना, कभी एक्सटेंड होना, कभी क्या। सो जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है वो ये है कि ऑब्वियसली अगर इन एनी केस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आते हैं, अगर ओपन करती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, तो वो बाई हैंड जो है वो हार्ड फॉर्म में लैब रिपोर्ट्स को सबमिट कराएं, क्योंकि उसको हमने एवेंचुअली फोल्डर्स वगैरह उसके मेंटेन करने होते हैं, और दैट इज़ बिट ईजी टू रिसीव इन द हार्ड फॉर्म, ठीक है। अगर अब ये चीज़ें लेट्स से इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं बनती हार्ड फॉर्म में इसको लेने की, तो फिर ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म में अगर सबको मेल की इजाज़त दे दी जाए, तो ऑब्वियसली मेरे पास अभी जो लैब करें स्टूडेंट 50-60 लोग हैं, तो जब इनफरादी तौर पे ईमेल आ रही होंगी वो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको हैंडल करना। उसके मल्टीपल वेज हैं कि उसको ड्राइव के ऊपर मैं कोई फोल्डर बना के लिंक शेयर कर दूँ, LMS के ऊपर कोई लिंक दे दूँ। सो इस वजह से मैंने इन चीज़ों को अभी पोस्टपोन किया और आपसे डिमांड नहीं किया। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये तो सारी पॉजिटिव बातें नंबर लेने वाली, ये हो सकता है कि आप लोग कोई जब भी लैब करते हैं आप उसकी रिपोर्ट्स मेंटेन नहीं कर रहे। जब लैब रिपोर्ट मेंटेन नहीं कर रहे, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई डेडलाइन दी जाती है, तो अगर आप इन अ क्विक वे उसको करते हैं, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली नहीं होनी है। आपने एक आधे पौने घंटे के अंदर सारी चीज़ें गुजार देनी है, ठीक है, तो वो भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं। आप साथ साथ अपनी रिपोर्ट्स मेंटेन करें और उसको अपनी ड्राइव में, ईमेल में, जहां कहीं भी सेव करें। अगर लट से जी आपका कोई कल को कहें कि जी लैपटॉप ख़राब हो गया, या लट से लाइट नहीं है, या कोई जो भी इशू है वो आपके अपनी हेडिंग है, किसी रीजनेबल प्लेटफॉर्म में आपकी सारी ये चीज़ें पड़ी हों, जब डिमांड की जाएँ तो इन अ क्विक वे आप उसको सबमिट करवा सके। सपोज मैं आपको डेडलाइन देता हूँ 1 दिन की, 2 दिन की, 3 की, 4-5, मैक्सिमम अ वीक, ठीक है। सो आप उसको अपलोड करने की पोजीशन में हो, ऑब्वियसली मैं ये तो आपको डेडलाइन दूंगा नहीं कि अभी 2:18 है तो 2:23 पे अपलोड कर दे, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है। कोई प्रैक्टिकल टाइप की डेडलाइन होगी, और उसमें फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप कोई बंदा कह रहा हो कि मेरे इलाके में ये मसाइल हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट नहीं डिस्कस की जाएगी। आप चीज़ें अपनी रेडी करके रखें, मेंटेन करके रखें, बैकएंड पे चीज़ें आपकी सारी पूरी हों। जब मैं लैब रिपोर्ट डिमांड करूं या जहां कहीं उसको अपलोड करने का कहूं, आप ऑन वेल इन टाइम उसको अपलोड कर सकें, ताकि मेरे लिए उसको एक्सेस करना ये सारी चीज़ें इजी होंगी। सो मैंने इसमें रिकॉर्ड कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना PC पॉइंट ऑफ व्यू से और सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक डिसीजन लेना, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, ताकि मैं एक बेस्ट वे में आपसे डिमांड कर सकूं, ठीक है। तो ये जी है वो लैब रिपोर्ट के जो -2 2s आपको नज़र आते हैं या जो कुछ भी नज़र आता है। सो आई होप सो कि ये सारी चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है जी, क्लियर है, कोई इस पर क्यूरी तो नहीं है? नहीं सर, सब क्लियर है, ठीक हो गया। सो ये एक वे है, और अब इसमें जो आपको सारी बात इतनी डिटेल में खोल के बताई, उसका ये है कि एट द एंड ऑफ द डे एक्सक्यूजेज नहीं आने चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज ही होता है वो, जितना चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे जेन्युइन हो, चाहे लेम हो, कुछ भी हो, उसकी टाइप जो मर्जी हो, एक्सक्यूज इज एन एक्सक्यूज, वो ऑब्वियसली उससे काम नहीं होता। सो परहेज करें इस तरह की चीज़ों से, ठीक है जी। ये था चैलेंजिंग मामलात, और अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को गाइडलाइन दे देता हूँ एक लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉल एंड बीम पे लैब है, जैसे हम मोटर के ऊपर करते हैं, मोटर को हम एक सिस्टम के तौर पे कंसीडर करते हैं, ऐसे हमारे पास बॉल एंड बीम का सेटअप है, यानी कि एक बॉल है और वो बीम के ऊपर पड़ा हुआ, उसका हमारे पास हार्डवेयर टाइप एक सेटअप है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, उसकी एक छोटी सी वीडियो भी दिखाता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन।
अच्छा, और इसमें दो तीन और भी चीज़ें हैं कि लैब मुझे मिले मेरे ख्याल से शायद ये फोर्थ वीक जा रहा है, ठीक है। सो अभी तक आपके कहीं पर ज़ीरो मार्क्स या नेगेटिव मार्क्स या इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की इन अ स्ट्रिक्ट वे, तो ये मेरे ख्याल से एक एक बड़ा एक रीज़नेबल टाइम था जो कि मैंने आपको एक रूम प्रोवाइड किया ताकि आप लोग अगर कहीं पीछे रह गए तो भागते भागते जो है ना वो साथ मिल जाएँ। सो अगर अभी तक कोई नहीं मिल सका था तो वो मिल जाए बाकी, क्योंकि बाद में दुआ का टाइम में बचना है। सो आपकी अपनी, और उसमें ये कि अगर कोई बहुत पीछे है तो मुझे उस पर ये भी रिजर्वेशंस हैं कि वो पहली लैब्स में फिर क्या करता रहे, ठीक है, क्योंकि अभी ये 12th या 13th वीक चल रहा है तो उसके क्या इरादे हैं या उसने क्या किया हुआ है वो एक अगेन दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो आई होप सो कि मैनुअल आप लोगों के सामने है, ठीक है जी, और आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी लैब नंबर 13 हाइलाइटेड है बॉल एंड बीम मॉडलिंग के ऊपर। इज इट विजिबल टू ऑल? ऐसे ही है जी? यस सर। जी सर, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अक्सर जितनी भी लैब्स हैं आपने उनमें मोटर का वर्ड देखा ना, सो अगेन ये एक सिस्टम है, जैसे मैं यहाँ पर लिफ्ट को जो है वो मैंशन कर दूँ, ठीक है, एलिवेटर को मेंशन कर दूं, और आई होप सो कि आप लोगों को एक इस पे जो है वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी मिली होगी, शायद आप लिफ्ट या एलिवेटर के ऊपर कर रहे हैं, ऐसे कुछ है या मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं? जी सर, ठीक है सर, यही मिली है एलिवेटर सिस्टम। ठीक है, ठीक है। सो एलिवेटर टाइप की, इसी तरह मोटर हो सकता है, बॉल एंड बीम है, कोई मैग्नेटिक लेविटेशन है, कुछ भी हो सकता है। सो ये कोई भी एक सिस्टम हो सकता है और हमारी कुछ डिज़ायर होती है और कुछ हमें एक्चुअल इनपुट सॉरी एक्चुअल आउटपुट मिल रही होती है, कुछ चीज़ हम उसको एज एन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और फिर आपने अभी तक थ्योरी के अंदर भी मेरी काली भी असर से बड़ी डिटेल में बात हो रही थी कि भी आप लोग जो है वो रूट उस राउथ हर्बर्ट्स क्राइटेरिया वगैरह करके तो अब आप एड चैप्टर की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं जो कि रूट लोकस का, ठीक है। सो अब उसमें अभी तक आपने देखा होगा कि आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वगैरह देख लेते हैं, सेटलिंग राइज पीक, आप स्टेबिलिटी देख लेते हैं या आप उसमें एरर्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे अगर कोई आप टेक्निक पढ़ते हैं तो वो रेपिटेशन में चली जाएंगी, रूट लोकस में भी आप कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो लैब में थोड़ा बहुत बताया था आप वहाँ पर थेरी में भी देखेंगे, सो आपको थोड़ा एक अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो फील होगा। सो अभी हमारे पास इसी तरह बॉल एंड बीम है, सो ये लगता किस तरह का नाम के अंदर दो चीज़ें आ रही, ये इसमें हमारे पास हार्डवेयर होता होता क्या कि इसके अंदर आप ये बॉल है आपके पास, ठीक है, और ये जो रॉड है, ठीक है, इसको आप बीम कह रहे हैं और जिसकी वजह से आप इस सेटअप को बॉल एंड बीम का नाम दे रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो बॉल है ये किस पोजीशन पे जाके रुकता है, आपने छोटे होते झूला जो है उसके जब एक साइड पे बैठता है आपको पता है एक दो दो तीन दफ़ा वो ऊपर नीचे होता है और एवेंचुअली इट विल बी स्टेबल, ऐसे ही है कि दो तीन दफ़ा एक चीज़ ऊपर नीचे हुई, कभी इधर को जा रही कभी उधर को, और एवेंचुअली वो चीज़ स्टेबल हो जाती, ठीक है। चाहे आप उसका उधर से वेट बैलेंस कर रहे हैं किसी तरह भी कर रहे हैं, या पेंडुलम है तो उसको सर्टेनली आप उसको अगर छोड़ें तो बिल्कुल, और उसमें ऑब्वियसली एयर का फैक्टर हो सकता है या कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहरी तौर पे तो पेंडुलम को कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं ला रहा सवाए के उसको जो एयर रेजिस्टेंस या एयर टाइप की फ्रिक्शन का जो सामना है उसकी वजह से वो एवेंचुअली जिस फोर्स से चल रहा होता है वो एवेंचुअली ख़त्म हो जाती। सो एक तो ये बॉल की पोजिशन है, ठीक है, और फिर अगर ये जो रॉड है अगर ये इस तरफ ऊपर को जाता है तो ऑब्वियसली ये एक सर्टन एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये जब रॉड ऊपर नीचे होगा तो ये कोई ना कोई ऑब्वियसली एंगल बना रहा है। अब ये जो आर्म है, ठीक है, इसके साथ मोटर लगी हुई है और ये गियर बॉक्स है। सेकंड चैप्टर में गियर वाला काम कुछ किया था सो यस सर, हमने पढ़े थे गियर, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली मोटर है एक साइड पे आप देख रहे हैं, इसके नंबर ऑफ टीथ कुछ और होंगे, इसके नंबर ऑफ टीथ कुछ और होंगे, ठीक है। अब ये और इसके अंदर और रेडियस वगैरह भी आपने पढ़ा, इसी इस तरह सारी चीज़ें। अब इसमें मेन चीज़ जिस पर फोकस करना चाह रहा हूँ क्या है कि ये जो आर्म है
ठीक है, ये ऑब्वियसली आर्म की वजह से ये जो रॉड है वो मूव कर रहा है, ठीक है। आर्म जैसे ही ऊपर नीचे होगी आपको रॉड जो है वो मूव करता नजर आएगा, और अगेन ये जो आर्म है वो इसके साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रही होगी, ठीक है। सो जब आप वहाँ पर इसके कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, जैसे आप मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है और मोटर के कॉन्स्टेंट्स आपने देखे थे कि उसके अंदर जे के एल एम वगैरह या उसके अंदर रेजिस्टेंस या इस तरह के कंपोनेंट्स, तो कुछ कंपोनेंट्स कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इसका भी जब आप ट्रांसफ़र फंक्शन देखेंगे तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। सो ये जो दोनों एंगल्स हैं जो कि बीम बना रहा है एंगल, ठीक है, ये जो बीम का एंगल है, क्योंकि जब बीम ऊपर को गया होगा लट से यहाँ पर गया हुआ है, सो इट विल मेक एन एंगल, ठीक है। और इसी तरह ये जब आर्म मूव करेगा ये भी एक एंगल बना रहा है। सो ये आप कॉन्स्टेंट्स में वहाँ पे देखेंगे, ये बात जो है वहाँ पर आपको हेल्प करेगी। अब मैं आपके साथ इसकी एक छोटी सी वीडियो है जो कि शेयर करता हूँ। बस YouTube का आ रहा है लिंक या कोई और है? YouTube आ रहा है। अच्छा ठीक, अच्छा जी। सो इसमें अगर अभी मैं देखूँ, अच्छा जी मैं इस पर पॉज करता हूँ। अब आप देखें कर्सर भी मूव करता आपको नजर आ रहा होगा ऐसे स्क्रीन पे। यस सर। ठीक है, सो ये देखें ये कॉर्नर के ऊपर, ये लेफ्ट साइड पे कॉर्नर के ऊपर बॉल उधर गया हुआ, ठीक है। और अब ये जो रॉड है वो बिल्कुल ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके साथ, ठीक है, ये जो लीवर है जो कि मूव कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें, ये एक आर्क सी नज़र आ रही, ये एंगल्स की उसने मेंशनिंग की हुई कि यहाँ पर मेरे पास कितना एंगल। ऑब्वियसली जब ये मूव करेगी तो आप दो जो एंगल्स मैंने आपको बताए, एक तो ये रॉड का और एक ये मोटर का जो लीवर है जो कि गेयर बॉक्स के साथ जो चीज़ रॉड को मूव करवा रही है, उन दोनों के एंगल्स को आपने चेक करना है। एंगल्स को चेक करने में मतलब एक मूव होती है चीज़ को आपने चेक करना है कि आपको मूवमेंट उसमें ऑब्वियसली नज़र आएगी, ठीक है जी। उसने हिला दिया, ठीक है, ऑब्वियसली देखे ना गेयर बॉक्स से मूवमेंट होगी तो रॉड मूव कर रहा है ना, ठीक है। और इवेंचुअली किसी एक ये देखे ये चीज़, ठीक है, और इट विल मेक एन एंगल। अभी आप देख रहे होंगे 0 और 45 45 इस तरह का कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको। सो ठीक हो गया जी, ये चीज़ें जो हैं वो मूव करें। अब ऑब्वियसली जब हम जाऊंगा मैं आगे इसके ट्रांसफ़र फंक्शन की तरफ, तो मैं उसमें देखूंगा कि अभी देखें ना रॉड एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा, अभी नीचे आया हुआ है, अभी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ये एक मेरे पास एक रफ सी इंफॉर्मेशन थी कि जी क्या होता है लेट्स सी कि इसमें हमारे पास क्या, ठीक है, ये देखें। अब ये क्या, ये इसको टेक्निकली कंट्रोल्स के सेंस में आप क्या कहेंगे, ये अगर बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नज़र आ रही रॉड की, कभी ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्स हैं जो इसमें, इसको आप क्या कहेंगे? सर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है ये वाला सिस्टम हमारे पास, जो डायनामिक सिस्टम कहेंगे ना। ठीक है जी, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि रॉड का ऊपर नीचे होना ये टेक्निकली कंट्रोल के सेंस में इक्विलिब्रियम से हट के, कोई ऐसी टर्म है जो किस चीज़ को कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर किसी चीज़ को जाहिर करी किसी फिनोमिना को? सर स्टेबिलिटी अचीव हो रही है, वो भी बात ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे आ जाता है और इवेंचुअली स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, ये अप्स एंड डाउन्स को आप कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में कुछ कहना चाह रहे हो? ट्रांसफर फंक्शन की बात नहीं कर रहे आप, फंक्शंस आ रही है हमारे पास और उन ऑसिलेशन, ट्रांसफर फंक्शन तो पूरे सिस्टम्स को जाहिर कर रहा है। मुकीत क्या कह रहे थे सर? अनडैम सर, मैंने कहा ऑसिलेशंस आ रही हैं इसके अंदर और वो ऑसिलेशंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा इसमें जो जो बात मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था जिस पे फोकस करूं वो ऑसिलेशन का, वो तो नहीं कहीं रूट लोकस नहीं सर, रूट लोकस नहीं कि हम उसकी उसको फोर्स और वेलोसिटी को वेरी कर रहे हैं उसको स्पेशल पोजीशन पे लाने के लिए? नहीं, इसमें अभी खैर गेन या उस सेंस में तो कोई चीज वेरी नहीं की, इसमें बेसिकली ऑसिलेशंस का मैं यानी कि जिक्र करना चाह रहा था कि सुपर हार्मोनिक मोशन कहना चाह रहे हैं आप जी, कि किस तरह से आपके पास ऑसिलेट वो कर रहा है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स की आपने टाइप्स देखी हुई है ना,
अंडर डैम्ड के अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी ऑसिलेशन आती है फिर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, अनडैम्ड में क्या होता है कि ऑसिलेशंस ही आती रहती है, कंटीन्यूअस वो होती हैं, ठीक है, और इनफिनाइट टाइम्स होती हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव ही नहीं करता। जो अंडर जो ओवर डैम्ड है या क्रिटिकल डैम्ड है वो आपके पास स्टेबल जो होता है वो सिस्टम होता है। अब ये देखिए ये जी एक तो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जो रॉड है ऊपर नीचे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और एक ये जहाँ पर आपके पास मोटर लगी हुई है जो इसका लीवर जो है वो मूव कर रहा है और जो एंगल बना रहा है, तो ये दो एंगल्स आपको वहाँ पर नज़र भी आएंगे। फिर एक ये भी चीज़ नज़र आएगी कि इस पूरे रॉड की जो लेंथ है उसको भी आप वहाँ पर देखेंगे। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं के जो वहाँ पर आएंगे। चलें जी इसको अभी से फोकस हम अपना मैनुअल पे ले आते हैं। अच्छा मैं इसको एक मिनट बंद कर लूँ वीडियो को, नहीं तो बीच में नॉइज आती रहेगी। ओके जी, सो आई होप सो कि अब थोड़ा सा एम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्यों जी इसका नाम क्यों बॉल एंड बीम है, ठीक होगा जी। सो ये हमारे पास इसका सेटअप पड़ा भी हुआ है। सो हम सिस्टम से इसको कुछ कमांड्स वगैरह देंगे ताकि ये, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हमारे पास चीज़ है, तो अभी जस्ट उसका सॉफ्टवेयर ज़रा हम डिस्कस करते हैं। अब वही जो आपको वीडियो वगैरह दिखा रहा था, आई होप सो कि अब ये सारी चीज़ें आपको ये जो पिक्टोरियल डायग्राम है ये बड़ी क्लियरली समझ आ रही होंगी। जी सर, ठीक है, ठीक है। और ये वो एंगल है जिस पर अभी मैं टिक मार के लगाने लगा हूँ कि जो बीम जो एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर आपके पास ये जो लीवर आर्म है ये जो एंगल बना रही है, ऑब्वियसली आपने वीडियो में देखा है ना कि बीम भी मूव करता है, ये चीज़ भी मूव करती है, और ये क्यों मूव कर रही होती है, ये इस चीज़ की वजह से मूव कर रही है, और ये चीज़ क्यों मूव कर रही होती है। कर्सर नजर नहीं आ रहा, कर्सर नजर नहीं आ रहा आपका। यस सर, आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह अटका हुआ है। ठीक है जी, कर्सर को मूव करो जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड बेसिकली। चलें जी, अब आपके पास ठीक है जी, अब मैं आपको ओके जी, एक तो ये एंगल है जो कि बीम बना रहा है, ठीक है, और एक ये लीवर आर्म वाला एंगल है, ठीक है। अब ये चीजें मूव क्यों कर रही थी, मोटर लगी हुई, ठीक है, और मोटर के साथ आगे क्या लगा हुआ, गियर बॉक्स लगा हुआ, ऐसे ये मोटर लगी, इसने इस गियर बॉक्स को मूव करवाया, उसकी वजह से ये लीवर आर्म मूव किया और उसकी वजह से ये बीम जो है वो मूव कर रहा। सो आप ऑब्वियसली उसको अपनी कोई ना कोई डिज़ायर वैल्यू देंगे कि ये बॉल जो है उसको इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप करवाएं या इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप करवाएं, और ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम कि वो उतनी देर में स्टॉप होता है नहीं होता, वो बैलेंस होने में कितना टाइम लगता है, जिसको हम स्टेबल भी कह देते हैं या स्टेडी स्टेट वैल्यू पर जाने में कितना टाइम लेते हैं, और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो इनपुट होती है मोस्टली उसको हम स्टेप इनपुट के तौर पे कंसीडर कर लेते होते हैं, ठीक है जी। सो अगेन ये एक बहुत क्लियर वे में कोस पिक्चर है, ये आपको बता रही बॉल की पोजीशन इसने बताई है, ठीक है, कि बॉल इस वक्त कहाँ पे, और ये टोटल आपके पास लेंथ है इस रॉड की, ठीक है, क्योंकि ये क्यों मैं इन पे बार बार पिक्चर्स के ऊपर पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप कॉन्स्टेंट्स देखेंगे तो आपको उस पर कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास मास ऑफ द बॉल है जी, बॉल का मास कितना, लेट से रेडियस ऑफ द बॉल है, ठीक है, लीवर आर्म का ऑफसेट है हमारे पास जी, ग्रेविटेशनल है, लेंथ ऑफ द बीम, बीम की कितनी लेंथ है जिस पे बॉल चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हमने मैकेनिकल में देखा हुआ जी की वैल्यू, और आर जो है बीम के ऊपर क्या पोजिशन है हमारे पास बॉल की, ठीक है, अल्फा जो है वो बीम एंगल है, ठीक है, जो बीम बना रहा है, और थीटा क्या है, जो मोटर के साथ सर्वो गियर एंगल है। ये वो दो एंगल्स थे जिनको मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं, तो मिक्सअप भी हो सकते हैं, लेकिन आई होप सो कि आपको क्लैरिफिकेशन होगी कि जो बीम बना रहा है और जो मोटर के गियर के बॉक्सेस के साथ, इसको मैं बार बार अभी वीडियोज़ के अंदर और ये सारी जगह पर हाईलाइट कर रहा था, ठीक है। और आप कुछ रिक्वायरमेंट्स चाह रहे हैं, सेटलिंग टाइम या परसेंटेज ओवरशूट,
ये रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये चीज़ें कोई वेरी कर सकती हैं। लास्ट टाइम जिन जो रूट लोकस वाला कर रहे थे उन्होंने देखा था कि वहाँ पे राइट क्लिक करके आप डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के अंदर चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा एलटीए व्यू के अंदर भी आप लोगों ने देखा था कि कोई सर्टन ट्रांसफ़र फंक्शन के अकॉर्डिंगली सर्टन आपके पास आउटपुट सारी होती है, तो आप उसको कंट्रोलर लगा के भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे आपने मोटर का इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स को सॉल्व करके आपके सेकंड चैप्टर के अंदर मोटर का तो एक टॉपिक भी है बकायदा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के नाम से, और आप वहाँ पर मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इन अ सेम वे हमारे पास जो आउटपुट है आर ऑफ एस और थीटा ऑफ एस, अब थीटा ऑफ एस आपके पास एंगल है इनपुट साइड का जो कि आपकी सर्वो जो मोटर है वो क्या एंगल बना रही है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये गियर बॉक्स के ऊपर, ठीक है, ये लेट से जी ये गियर बॉक्स मेरे पास बना हुआ था, तो उसके साथ ये जो लीवर आर्म है वो बीम के साथ अटैच, ठीक है जी। ये आपके पास बीम है, ठीक है। अब ये जो लीवर आर्म जब मूव कर रहा होता है तो वो सर्टन एंगल बना रहा है, ठीक है। आप उसको क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मोटर के केस में आप वोल्टेज उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एज एन आउटपुट आपको स्पीड मिल रही होती है, ठीक है। सो एज एन इनपुट आप जो है उसको एंगल प्रोवाइड करें, ठीक है, और एज एन आउटपुट आपको जो है वो पोजीशन, ठीक है, मिली है। सो दैट इज आर ऑफ एस और थीटा ऑफ एस। लाइक वाइज के जैसे आपके पास स्पीड और वोल्टेज होता है इन द केस ऑफ मोटर, तो यहाँ पर आपके पास उसकी जो पोजिशन है और डिवाइडेड बाय द एंगल कि आप कितना लीवर आर्म को चेंज कर रहे हैं, कितना उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली बीम की क्या आपके पास पोजीशन बन रही है। और ये हमारे पास उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास मोटर का था और आप उसको पी मोटर के अंदर उसको सेव करवा लेते थे, लाइक इन अ सेम वे आपने उसको पी अंडरस्कोर बॉल में उसको सेव करवा लिया कि बॉल एंड बीम नाम से थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। और दीज आर द कॉन्स्टेंट्स जिसकी वजह से मैं बार बार आपको कॉन्स्टेंट्स बता रहा था। इन सेम वे आपने मोटर के केस में भी देखा था जे के एल एम वगैरह, तो ये वैल्यूज़ हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स आप प्रोवाइड करें। और ऑब्वियसली इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को वेरी करने से आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन एट द एंड आपको मिलेगा सॉल्व होने के बाद, उसके ऊपर भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अब अभी जो मेरा होगा इसमें जब वैल्यूज़ आप प्लग इन कर देंगे, ये आपको ट्रांसफर फंक्शन मेरा सिंपलीफाई करके, तो इसके अंदर कितने पोल्स और कितनी जीरोस हैं एट द मोमेंट? सर आपके पास एक सर जीरो, तो हमारे पास जीरो होंगे, लेकिन जिसके अंदर हमारे पास पोल्स होंगे सर वो हमारे पास दो होंगे सर। पोल्स दो हैं और जीरो होंगे। पोल्स दो हैं, कहां पे पड़े हैं पोल्स? सर जीरो के ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास दो एस होंगे, ठीक है जी। दो पोल लिख दिया जी, एस स्क्वायर है डिनोमिनेटर के अंदर तो दो पोल हैं, और पोल पड़े कहाँ पे हुए हैं जी? सर जीरो के ऊपर पड़े, जीरो पे हैं वो, जीरो के ऊपर ओरिजिन के ऊपर पोल पड़े हैं, ठीक हो गया जी। जीरो जीरो, ठीक है जी। वो कह रहा है जी जीरो माइनस जीरो, शायद इन्होंने कपल बनाना है जिसकी वजह जीरो माइनस जीरो कह रहे हैं, अदरवाइज कहने की जरूरत नहीं है। जीरो माइनस जीरो दैट डजंट मेक एनी सेंस, जीरो इज जीरो, बता दो देना डिग्रीज अ डिग्री हैं असली हो या जाली। सो ये जीरो जो है ना इसकी कोई दो फर्दर कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। सो अच्छा जी, खैर ओरिजिन पे दोनों पोल्स हैं वो ओरिजिन के ऊपर लाए करें और इसमें कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ पे हल्का सा मेमोरी के ऊपर थोड़ा जोर दें, मोटर के केस में जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बनता था जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी और टू मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग, के आपके पास मोटर के केस में भी दो पोल्स आए थे, वो कहाँ कहाँ पे लाए कर रहे थे? -10 और -2 पे ना, फिर आपने उसमें सिंगल ऑर्डर सिस्टम के लिए एक को रख लिया था क्योंकि जो ओरिजिन के करीब होता है उसका रिस्पॉन्स स्लो होता है और वो डोमिनेट कर रहा होता है, और आपने -2 को रख के सेकंड ऑर्डर से फिर सिंगल ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन भी की थी, ठीक है, लैब नंबर 3 के अंदर। खैर सो ये जी मैं सेम आपको थोड़ा इन अ पैरेलल वे में बता रहा हूँ क्योंकि जी इस तरह हमारे पास सिस्टम्स चल रहे हैं। अब ये जो मोटर वाला सिस्टम था -2 और -10 पे आ रहा था, वो सेकंड ऑर्डर में उसकी क्या टाइप्स बनती थी? अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम, क्या कौन सा अनडैम्प्ड क्या था मोटर वाला? सर ये ओवर डैम्प्ड था।
मोटर वाला वो कह रहे हैं जी मैं लिख देता हूँ ओवर डैम, ठीक है ओडी, क्योंकि सर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं ना इसके अंदर हमारे पास। वो कह रहे हैं जी नेगेटिव हाफ प्लेन पे दो पोल्स आ रहे हैं और एट डिफरेंट लोकेशन है, अगर सेम लोकेशन पे हो जाते तो कौन सा क्रिटिकली डैम पे होता, फिर क्रिटिकल डैम बन जाता, ठीक और कॉम्प्लेक्स में चला जाता तो अंडर डैम हो जाता और ठीक है। सो ये आपको हल्का हल्का सारी लैब्स का टच चले जी साथ साथ हमें मिल रहा है, कॉन्सेप्ट्स भी जी हमारे अच्छे हैं सबके। अच्छा जी सो अब इधर आ जाए जरा बॉल एंड बीम पे थोड़ी मोहब्बत जरा जाहिर करें, यहाँ ये किस टाइप का आपको सिस्टम लग रहा है, ये एक अनोखी टाइप का सिस्टम लग रहा है मुझे तो, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है। हाँ जी देखें इसको, ये किस टाइप का लग रहा है, पहले तो इस पे देख लेते हैं कि ये हमें लेफ्ट हाफ प्लेन पे तो नहीं है, ऑब्वियसली ओरिजिन पे है, सो इट फील्स लाइक कि ये लेफ्ट हाफ प्लेन पे नहीं है, लाइक जैसे -2 और -10 था उस तरह का हमें थोड़ा सा ये टच देने की कोशिश नहीं कर रहा, और लेफ्ट हाफ प्लेन पे हो और सेम ही पॉइंट्स पे पड़ा, लाइक वाइज -1 -2 -3 इस तरह का भी कोई टच नहीं हमें मेरा, और प्योरली इमेजरी खैर मैं इसको कह सकता हूँ, और अंडर डैम्प्ड का भी मेरे पास नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जैसे जो प्योरली इमेजनरी होता है इमेजनरी लाइन के ऊपर ओरिजिन जो है वो तो खैर सबके लिए एक जैसे ही होता है। सो ये हल्का सा ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक फीलिंग्स हैं कि हल्का सा हमें ऐसा एक टच दे रहा है जैसे ये इमेजनरी के ऊपर है, ठीक है, और इसमें है बिल्कुल ये ओरिजिन के ऊपर, और इसमें ऑसिलेशंस पॉसिबिलिटी हैं कि हमें ऑसिलेशंस वगैरह मिले जब हम इसको सेटअप को जो है वो रेडी कर रहे होंगे, ठीक है। वैसे तो जो प्योर प्रॉपर इमेजनरी पे होता है उसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आपको नज़र आ जाएंगी, 2 iota लेट्स से पॉजिटिव में और नेगेटिव में 2 iota, ठीक है, जिसको आप सिमेट्रिकल भी कह लेते हैं, ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। रूट लोकस सॉरी राउथ हर्वर्ड्स क्राइटेरिया में आपने ये भी देखा होगा ना कि आप फाइंड आउट भी करते हैं कि इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पोल्स हैं नहीं है, अगर हैं तो किन पॉइंट्स पे पड़े हैं। सो ये दो बिल्कुल, सो यहाँ पर जो है वो पोल्स एंड जीरोज उसके आप उसके ड्रॉ कर लें और ओरिजिन की बेस के ऊपर आप एग्जैक्ट देखें कि आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, पोल्स किधर किधर लाइक आ रहे हैं, डैम्पिंग रेशो की लट से क्या वैल्यू आ रही है, ओवरशूट क्या आ रहा है, ये कुछ चीज़ें आपको पीजी मैप के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा पीजी मैप के कमांड के थ्रू, और अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा फर्निश कीजिएगा। अब हमारे पास ये एक वैल्यू जो है वो सेव है पी बॉल के अंदर, सो अगर हम ये काम करते हैं तो क्या होगा, तो उसको स्टेप इनपुट पास हो जाएगी, उसको स्टेप हम इनपुट के तौर पे एक स्टेप इनपुट दे लेंगे। ये काम आपने सेम इस तरह का काम जो है वो आपने लैब नंबर 3 में किया था, उसमें LTA व्यू की कमांड को रिकॉल करें, LTA व्यू की कमांड के अंदर आपने स्टेप का वर्ड लिखा था, क्या ख्याल? बिल्कुल ऐसे ही सर, स्टेप का वर्ड लिखा था और साथ में आपने ट्रांसफर फंक्शन मेंशन किया था पी मोटर वाला, ठीक है, ठीक है, और इसी तरह सेम आपने काम किया था जी लैब नंबर 7 के अंदर और 5 के अंदर, 5 थी जी सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के ऊपर, 7 थी जी पीआईडी के ऊपर, उसमें आप इस तरह की स्टेप्स की कमांड देते रहे। यस सर, ऐसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स की जितनी भी टाइप्स थी वो कैसे बनता था, स्टेप के आप कमांड देते थे, और इसी तरह लैब नंबर जो 7 है के पीआईडी की जो कमांड थी वो आप दे लेते थे, फीडबैक वगैरह सॉल्व करते थे, अगेन आप स्टेप की कमांड देते। सो ये इसके साथ भी हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है स्टेप के साथ। यही काम आपने लैब नंबर 9 में भी अभी किया था सिमुलिंग मॉडल के अंदर भी, कि आप क्या करते थे कि आपने पूरे सिस्टम को एक सब सिस्टम के तौर पर कंसिडर करके उसके इनपुट पर स्टेप लगा दी थी और आउटपुट पर स्कोप लगा के देख, ठीक है जी। yes, अच्छा ये अभी ये जो मैं काम अभी यहाँ पे करवाया इस लैब मैनुअल के अंदर, ये वैसे कंट्रोल सिस्टम के कोर्स के अंदर एक चीज़ होती है कि जब आप पहला कोई काम करते हैं, पहला कोई टास्क करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो या हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर रहा हो, और मैनुअल का यहाँ पर इस तरह के टास्क रखे गए थे कि वेरी फर्स्ट टाइम आपकी रिक्वायरमेंट मोस्टली पूरी नहीं होती,
लैब नंबर 3 को भी अगर आप देखें आरटीआई व्यू की वाली को, तो मेरे ख्याल से 1 आपको चाहिए था, माइट बी, अब साफ जहर में सारी जुबानी याद नहीं कि आपको 0.1 के करीब मेरा था जो एम्पलीट्यूड। आप फिर साथ में आपने क्या काम किया, आपने कहा मैं अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूँ सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे ज्यूम करके डोमिनेंट पोल के कॉन्सेप्ट को लेके आके कुछ आपको इम्प्रूवमेंट्स मिले। फिर जब आप पीआईडी की लैब के अंदर आए के पी के आई के डी को, तो आपको स्टार्ट में आपकी वैल्यूज आपको नहीं मिली, कभी आप कभी वो आपको के डी की वैल्यू चेंज करवा रहा, कभी के आई की कभी के पी की, उम्मीद है ये भी आपने लैब उसे परफॉर्म भी की होगी। तो वेंचुअली यस सर, मैंने भी एक एक वैल्यू चेंज करवा रहा था, फिर एंटर सारी वैल्यूज चेंज करवा के हमारा आंसर फ्रंट पे आ रहा था। बिल्कुल, तो बेसिकली हमने उस पे ना हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल किया था। हां जी बिल्कुल, इसी तरह एट द एंड आप एक चीज पे पहुंचे थे, ठीक है। और इसी तरह आप जब लैब नंबर 9 आपने की है सिमुलिंग मॉडलिंग वाली, तो उस वक्त भी जब आपने स्टेप इनपुट और स्कोप लगाई है तो आपको 0.1 के करीब आ रहा है बजाय के 1 आने के। यस सर, फिर हमने लैग कंपनसेटर लगाया था, फिर आपको बिल्कुल फिर आपको उसने कंपनसेटर लगवाया, ठीक है, कि आप 44s और इस तरह से कुछ वैल्यूज ऐड करें, कुछ न्यूमिनेटर्स में आपने जीरो ऐड की और नीचे डिनोमिनेटर में आपने पोल ऐड किया एक सर्टेन लोकेशन के ऊपर ओरिजिन के करीब, उसने 0.01 के ऊपर आपको एक वैल्यू ऐड करवाई -0.01 के ऊपर, फिर जाके आपकी कोई ना कोई काम हुआ है। ये सारा उसका ट्रेंड करने का मकसद क्या है कि वो हमेशा से आपको एक बात के ऊपर लेके आता है कि कोई भी जो सिस्टम है जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट को ना पूरा करे। सो यू नीड अ कंट्रोलर, आपको कोई कंपनसेटर की, कोई कंट्रोलर की, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो सकती है। और हर चीज़ अपनी एक नेचर की बेस के ऊपर उसका एक नाम है, ठीक है। लीड का क्यों लीड कंपनसेटर है, लेट्स से लैग का क्यों लैग कंपनसेटर है, और क्या चीज़ें हैं, और ये इसके पीछे सारी ऑब्वियसली कोई ना कोई वजूहत है। चैप्टर नंबर 9 में थोड़ी और ज़्यादा डिटेल है हमारे पास थ्योरी के। सो यहाँ पर इस लैब के अंदर भी ऐसा होगा, होपफुली हो सकता है कि आप पहला कोई काम करें और वो मुकम्मल ना हो रहा और फिर आपको साथ में कोई कंट्रोलर वगैरह लगाना पड़े। अब जितनी भी आप लोगों ने लैब्स परफॉर्म की हुई हैं, सो जहाँ जहाँ तक आपने परफॉर्मेंस की हुई है उसमें एक एक, एक स्टेप एडिशन की क्या ज़रूरत है कि आपके उसी लैब के अंदर, हर लैब के अंदर साथ में कंट्रोलर वगैरह भी हैं, तो आप अपनी आउटपुट को देखा करें, वो जब फुलफिल नहीं हो रही होती तो साथ में कोई ना कोई वो कंपोनेंट ऐड करवाता है, ठीक है। तो ये उसकी एक वो एक वे है कि किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करना। अगर डायरेक्टली पहले हाथ ही आपको कुछ ना कुछ करके वो बता दे फिर लर्निंग नहीं होती, ऑब्वियसली आपने कोई इशू ही नहीं पहले पढ़ा तो उसका सोल्यूशन कैसे माइंड में आएगा, क्या ख्याल है? जिसको आप ठीक चीज़ दे देंगे उसको ख़राब या उसका कैसे आइडिया होगा ये। फिर इसमें कुछ और भी ऑब्जर्वेशन के लिए चीज़ें, ये देखें ये राइट साइड पे जब आपने इसका स्टेप रिस्पांस लिया है तो ये 0 है, ये 0.5 है, ये कुछ राइट साइड पे आता हुआ सारा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी कमेंटिंग की ज़रूरत है कि अगर राइट साइड पे रिस्पांस रह रहा है तो किस टाइप का। अच्छा, अगर ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहा है ना, जी जी। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका सिमुलिंग मॉडल बना दें, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन, इसका सिमुलिंग मॉडल बना दें, क्या करें? सर ये एज अ कंपोनेंट है तो हम ट्रांसफर फंक्शन के पढ़ के इसकी वैल्यूज डाल देंगे सर। न्यूमरेटर में हम 0.21 डाल देंगे, डिनोमिनेटर में हम 100। तो आप क्या कोई एक चाह रहे हैं किस तरह का, आप कोई ब्लॉक ऐड कर देंगे और उसमें यस सर ये कुछ चाह रहे हैं नम डेन चाह रहे हैं यस सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक ऐड करके उसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलें इस तरह अगर मुझे डायरेक्ट नहीं करना, मुझे कुछ और वे में यानी कि बताएं, ठीक है। उसके बाद न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आप वैल्यूज ऐड कर दें, और आपको पता है कि आप पॉलिनोमियल्स वगैरह को कैसे लिखते हैं, लैब नंबर 1 में आपने नम डेन में वैल्यू सेव करना सीखी थी। सो ठीक है जी, एक वे ये है, ये इंटीग्रेटर या डिफ्रेंशिएटर में किसी चीज़ को जाहिर कर रहा है उस सेंस में। आप लैब नंबर 9 के अंदर देखें इस तरह के कोई काम किए थे आपने? जी सर, उसके अंदर इंटीग्रेटर वगैरह मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन सर वो पूरी इक्वेशन थी ना कि उसमें सब कुछ ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल एक अगर इंडक्टेंस है 1/L, तो हमने वो जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी इनपुट के साथ, तो हमने गेन को 1/L कर दिया था,
तो वो जो है ना मल्टीप्लाई कर देता था इनपुट को. इसी तरह फिर सर ने जब प्लस हो रहे थे वो तो डिफरेंट चीज़ों को प्लस करने के लिए हमने एडर वगैरह इस्तेमाल किए थे, और उसको क्या कहते हैं जब उसकी वैल्यू को थोड़ी डेरिवेटिव की वैल्यू ज़रा हाई थी, फॉर एग्जाम्पल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी लेकिन आगे जाके फर्स्ट ऑर्डर हो रही थी, तो फिर हम जो है बीच में इंटीग्रेटर जो है वो इस्तेमाल करते थे. ठीक है, ठीक है जी. वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन थी और कभी कुछ कंपोनेंट्स हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे, कभी कुछ इंटीग्रल वगैरह लगा रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर कभी हमें चाहिए था, कभी सेकंड ऑर्डर, थीटा वगैरह, डी थीटा बाय डीटी, और कभी डी थीटा स्क्वायर बाय डीटी, इस तरह की कुछ आप चीज़ें कर रहे थे. रेंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह उसमें था, और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर वन टाइम आप डेरिवेटिव ले लें स्पीड बन जाती, सो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके पास थी. डबल डेरिवेटिव एक्सेलेरेशन को वहाँ पर जाहिर कर रहा था. सेम इन अ केस, जस्ट आपकी एक मेमोरी को रिकॉल करवाने के लिए, अगर मैं इसको दो इंटीग्रल लगा दूं, सपोज वन बेस और वन बेस, तो ये एक तरह के इसी चीज़ को नहीं जाहिर करे, वन ओवर एस स्क्वायर को. यस सर, जी सर, बिल्कुल कह रहा है. और उसके साथ में एक गेन वाला अगर कंपोनेंट पॉइंट 0.21 लगा दूं, वहां पे भी तो आपने गेन लगाया हुआ था ना, बिल्कुल. और इस तरह के बिल्कुल इस तरह काफी काफी कुछ किया. तो जस्ट आपके पास एक ओवरव्यू था कि आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जो कुछ ऑब्वियसली मॉड्यूलर टूल्स हम इसको यूज करें. और अगर मैं इसको एक सब सिस्टम के तौर पर बना लूँ, सेम लाइक 11 नंबर 9, तो मेरे पास एक ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि एक साइड से उसकी इनपुट होगी कि यहाँ पे कोई इनपुट दे दें, और एक साइड से उसकी आउटपुट होगी कि यहाँ पे कोई आउटपुट दे दें. जैसे वहाँ पर आपके पास वोल्टेज और स्पीड बना हुआ आ गया था, और आपने इनपुट साइड पे स्टेप इनपुट लगा दी और आउटपुट साइड पे स्कोप लगा दी, क्या ख्याल? एक और चीज होती है, आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में कुछ थ्योरी में कुछ चीज पड़ी? काइंडली रिपीट कीजिएगा. स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन पे चैप्टर नंबर 3 मेरे ख्याल से शायद नहीं पढ़ा आप लोगों ने. स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जी सर, 3 स्किप किया था. यस सर, मैं चैप्टर 3 नहीं पढ़ा. ठीक 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 सही ठीक. अच्छा जी, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बातें कर रहे हैं या एस डोमेन की बात, ये सारी एस डोमेन में है चीजें. यस सर, ठीक है. चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने देखा कि जी एस डोमेन है, और उसके आपने थोड़ी बेसिक्स भी देखी है. लाप्लास बेसिकली सर. हाँ जी 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 बिल्कुल. और अब इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप कर लेते हैं, आपके पास टाइम डोमेन में कोई चीज़ है उसको आप लैप्लास में ले जाते हैं. क्योंकि पहले अगर आप देखें सर्किट्स वगैरह के अंदर, तो जो आपके पास सर्किट एनालिसिस या नेटवर्क्स की चीज़ें होती हैं उसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम डोमेन में लिखने के आदि होते हैं, ठीक. तो उसको आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू, फिर उसने कुछ चीज़ों पर आपको स्टार्ट में लैप्लास सिखा दी, फिर उसके बाद आपने वो करनी छोड़ दी, आप डायरेक्ट एस डोमेन में ले आते थे, ठीक. सो दैट वॉज द बिगिनर लेवल, उसके ऊपर आप लर्न कर गए. इस तरह सेम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होती है, हम टाइम डोमेन में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ स्टेट वेरिएबल्स या इस तरह की कुछ चीज़ें. सो यहाँ पर उसने लैब के अंदर वैसा भी कोई टच कुछ देने की कोशिश की है. एक तो चीज़ ये है कि अगर आप इसको देखें तो आप इट फील्स लाइक कि जैसे आप इस चीज़ को जानते हैं, थोड़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं हल्का हल्का, ठीक है, कि आप इनपुट पोर्ट से इनपुट पोर्ट लें, आउटपुट पोर्ट से उसके साथ लगा लें, इंटीग्रल वगैरह लगा रहे हैं, तो एक ये भी है कि आपके पास सिमुलिंग मॉडल बन जाएगा और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. किसी ने वन स्टेप अहेड अगर करने की कोशिश करनी हो, सो उसने क्या काम किया है कि इस सारे को स्टेट स्पेस. सर ये ऊपर इंटीग्रेटर के साथ कौन सा सिंबल है? जाते हैं वापस. जो सर्कल है सर ये आपके पास, जब आप आउट वन और इनपुट वन को लाते हैं तो आपके पास सर्कल ही होते हैं. लैब नंबर वन में जैसे आपने इनपुट पोर्ट्स और आउटपुट पोर्ट्स को जब इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स ही आपके पास आती है. जो लैब नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने स्पीड और वोल्टेज जो चीज़ ली थी जब आप उसको इंसर्ट कर रहे थे, तो वो इन वन और आउट वन के तौर पे आती है.
बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक है, और आप उसको रीनेम करके वोल्टेज और वो सारी चीजें करें, तो एक तो वो सर्कल बना होता है और एक उसके नीचे इन वन और आउट वन लिखा होता है, ये जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई है ठीक है। सो वो आपके पास ठीक है। अच्छा जी, सो एक और वे हमारे पास कि अगर आपने इसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में लेके जाना हो, जस्ट अ सेकंड ऊपर रह गया कहीं, ये जी अगर हम इसको लेट्स से स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं, इस तरह हमारे पास टाइम डोमेन के अंदर वही पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन कह लें या इक्वेशन कह लें वो पूरी चीज़ वहाँ पे जाहिर हो जाती है, और इसमें मल्टीपल हमारे पास इक्वेशंस बन जाती हैं और इस पर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम स्टेट वेरिएबल्स के तौर पे कह लेते हैं ठीक है, स्टेट वेक्टर्स भी कह लेते हैं, स्टेट वेरिएबल्स भी कह लेते हैं, और उनमें से किसी एक को हम जो है वो इनपुट और आउटपुट के तौर पर डिसाइड कर लेते हैं ठीक है। सो जैसे अभी यहाँ पर उसने यू जो है उसको इनपुट वैक्टर के तौर पर लिया हुआ, सो खैर थ्योरी में आपने किया तो नहीं, शायद इसको आप करें तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फील हो, लेकिन ये है कि वॉलंटरली वर्क के तौर पे अगर आप इसको करना चाहें मतलब इम्प्लीमेंट, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपने लैब नंबर 9 में किया, इक्वेशन ऊपर आ गई है, सो आप जस्ट एरोज वगैरह लगा के कहीं अगर आपको एडिशन वगैरह की ज़रूरत है क्वाडर लगा लें या कहीं इंटीग्रल लगाना है 1/s तो वो लगा लें, तो अगर यानी कि ये आप इसको कर सकते हैं सक्सेसफुली, सो ये अच्छी कोशिश होगी। इनपुट आउटपुट हमारे पास वैसे ही हैं सेम इन अ वे, हमने जो है वो लैब नंबर 9 में भी किया था, लेकिन चूंकि आप स्टेट स्पेस वेरिएबल्स या इस तरह की चीज़ों से थोड़ा फेमिलियर नहीं है तो माइंड में थोड़ा डिफिकल्टी फेस आपको करनी पड़े, लेकिन आप जस्ट इसको बजाय कि इसकी डिटेल में जाने के कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, तो एज इट इज़ इन वेरिएबल्स को लेके जैसे उसने इम्प्लीमेंट किया हो वैसे आप इम्प्लीमेंट करने की उसको कोशिश जो है वो कर दें। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 3 में जाएं तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशंस को बेसिकली हम इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर या हमारे पास जस्ट सेकंड बुक में थोड़ा देखता हूँ कोर्स बुक ओपन कर लूं। तो जी उम्मीद है अभी आपके सामने होप्स होगी, शायद कोर्स बुक ही आ रही होगी ऐसी। जी सर चैप्टर 3 खुला है। जी सर आ रही है। हाँ जी ठीक है, उसमें मॉडलिंग इन द टाइम डोमेन है, बेसिकली स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ही है आपके पास, लेकिन इज कॉल्ड ठीक है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी मैं इसमें कुछ चीज़ों पे आता हूँ जी। ओबियसली मैंने कुछ चीज़ें अपने स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट की हुई थी। अब इसमें होता क्या है कि स्टेट स्पेस में के आप डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में ना अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, कुछ वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट वेरिएबल्स उनको हम कह लेते हैं, और ये अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है ठीक है, और इसकी इक्वेशंस वगैरह लिखनी सेकंड चैप्टर में हमने सीखी। कोई बंदा कहता है मुझे करंट निकाल दें या वोल्टेज निकाल दें, सो वो आपको पता है कि सेकंड चैप्टर के अंदर कैसे आप इक्वेशन लिखते थे, क्योंकि आपको वो वोल्टेज या किसी एक चीज़ को आउटपुट कह देता था, किसी को इनपुट, आप आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करते थे, ट्रांसफर फंक्शन आ जाता, यही काम आप करते रहे चैप्टर 2 के अंदर ठीक है। सो अब इसमें होता क्या है कि लेट्स से जी मेरे पास एक ये इक्वेशन है, ये कोई भी ऑब्वियसली सर्किट एनालिसिस की इक्वेशन है इस तरह के हमें, सो इसमें अगर आप देखें सो एक किसी एक को उसने आपके पास आउटपुट कह लिया है
दैट इज योर वी ऑफ एल, आउटपुट के एक साइड पर रखने बाकी सारियों को. लेकिन ये जो चीज़ें हैं बीच में वी ऑफ टी और आई ऑफ टी और क्यू ऑफ टी, ये भी तो किसी ने किसी चीज़ को जाहिर करी ना, जैसे चार्जेस को, रेजिस्टेंसेस को, करंट्स को, वोल्टेज को और डिफरेंट टाइप की चीज़ों को जाहिर करी. तो ये सारी आपके पास क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं. ठीक है, एक आपने आउटपुट सेलेक्ट कर ली, बाकी आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं. सो सेम इसी तरह आपको वहाँ पर भी स्टेट वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे, आर और अल्फा और अल्फा डॉट और इस तरह के कुछ तीन चार वेरिएबल्स लिखे हुए थे. सो इन अ सेम वे, सो अगर किसी को इसके ऊपर लर्निंग करनी हो तो थोड़ी सी कर सकता है. फिर उसने हमारे पास हमें बताया होता है कि आप इसको स्टेट वेरिएबल्स के मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है. ठीक है, एक डेरिवेटिव के तौर पे हम उसको लिख लेते हैं, ए एक्स बी एक्स और बी यू यू अमूमन हमारी इनपुट को जाहिर कर रहा होता है. ठीक है, ये आपके पास जैसे एक्स में ये वेरिएबल्स आ गए. सो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हम अपनी इस चीज़ को जाहिर करके, वाई जो है वो हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन है. तो इसी तरह हम स्टेट स्पेस में भी आ सकते हैं, स्टेट स्पेस से वापस भी आ सकते हैं. इसका मैटलैब के अंदर एक डायरेक्ट कोड भी होता है, अभी कहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा. देखना ये सिंपल एक सर्किट था. ठीक है, इसको आप लैपलेस में नहीं लेके गए, ये आपने कुछ पॉइंट्स करके इसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने लिख दिया. मैं जस्ट एक बस इस पर वापस आता हूँ जरा, मैटलैब के कोड में देखना चाह रहा हूँ, मेरी नज़र से गुजर जाए जरा. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, हम बगैर लैपलेस से करना क्यों चाह रहे हैं? लैपलेस का सोल पर्पस ही यही कि हमारी जितनी चीज़ें हैं जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उनको आसान करना, तो उसके बगैर क्यों करना चाह रहे हैं? सही, अभी आप हाफ खुशबू लगाई आपने, पूरी सही परफ्यूम यूज नहीं की. चैप्टर नंबर 3 की अगर आप स्टार्ट में है ना, तो आप लैपलेस के अंदर पूरे अपने सिस्टम जो है ना उनको लीनियर सपोज करके लीनियरिटी के बेस के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं. कभी आरटीए व्यू कर रहे हैं, कभी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ले रहे हैं, कभी उसको लीनियराइज मॉडल कर रहे हैं. तो इन रियलिटी के अंदर आपके पास लीनियर जो मॉडलिंग होती है वो नहीं होती. ठीक है, नॉन लीनियर आपके पास डेटा भी अवेलेबल होता है. ठीक है, नॉन लीनियर की बेस के ऊपर आपको टाइम डोमेन में भी आना पड़ता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होती हैं. ये चीज़ें मैंने कुछ इन अ क्विक वे, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको थोड़ा गौर से देखे फिर मैं वापस इससे आएगा. ये जो येलो से कलर पे जो मैं करवा रहा था, ये मैंने स्टूडेंट के लिए ही उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हम क्यों करें. सो अगर आप चैप्टर नंबर ये 3 के आगाज़ में आएंगे, ये जो भी मैंने आपके सामने पेज 118 शॉर्ट फॉर्म का ओपन किया हुआ है, सो इसका इस वाले टॉपिक में आपको प्रो एंड कॉन्स का पता चलेगा कि क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज हैं लैपलेस के अंदर, और टाइम डोमेन के अंदर हमारे पास क्या बाउंड्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं. आखिरी जो मेरी हाइलाइटिंग है वो लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट स्पेस अप्रोच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट नॉन लीनियर सिस्टम्स. ठीक है, जैसे बैकलैश है, सैचुरेशन है, या डेड जोन्स हैं. ये सैचुरेशन आपके पास ट्रांजिस्टर्स के अंदर आती है, बैकलैश कहाँ पे आते हैं, गेयर्स के अंदर आते हैं. ठीक है, डेड जोन कहाँ पे आता है, मोटर के अंदर आता है, जब आपके पास मोटर मूव नहीं कर रही होती लेकिन आप एनर्जी दे रहे हैं. ये यहाँ से याद आए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ है आपके पास जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे होते हैं वापा वगैरह, ये इस तरह की चीज़ों के. ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए ना, बैकलैश, सैचुरेशन, डेड जोन्स, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हर तरह के टेस्ट में आया होता है. डेड जोन्स आपके पास मोटर के केस में होते हैं, आप उसको एनर्जी दे रहे होते हैं लेकिन इनफ वोल्टेज नहीं होता कि उसको रोटेट करवा सके, और उस पॉइंट के ऊपर आपके पास आउटपुट नहीं आ रही होती. जैसे हम मोटर को कुछ एनर्जी दे रहे हो, गूं गूं की आपको आवाज़ आ रही होती, मोटर चल नहीं रही होती, या बाज़ आवाज़ भी नहीं आ रही होती, इनफ नहीं होती कि उसको रोटेट करवा सके. डेड जोन सैचुरेशन के अंदर आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह के रीजन के अंदर आप इनपुट दिए जा रहे हैं लेकिन उस सैचुरेशन रीजन में दाखिल होते फर्दर आउटपुट नहीं मिलती. बैकलैश गियर्स के अंदर आपके पास देखने को आपको मिलता है कि आप अगर गियर्स आपस में टाइटली अटैच नहीं है, ठीक है, लूजनेस जो उनकी होती है, ठीक है, लेकिन इसको एक दफ़ा इन मेरे पॉइंट्स को तीनों को यानी कि
वेरीफाई भी कर लेना, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चले जी, कमिंग बैक टू द मैनुअल, सो अगर आप करना चाहें तो इस चैप्टर से थोड़ा बहुत आप आइडिया लेके इसको कर सकते हैं। तो ये एक वॉलंटियरली वर्क है, अगर आप डबल इंटीग्रल से हट के इसको लैपलास में करना चाहें, जो कर लेगा चले अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होता तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी काम है जो कि आपने लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, इसमें अगर कोई क्यूरी वगैरह तो आप पूछ लें, और ताकि फिर आपकी जो चीज़ें मतलब ऑब्वियसली कोई परफॉर्मेंसेस पेंडिंग और जो भी उस तरह के मामले आते हैं फिर उसमें हमें जाना है। ठीक है, सो ये भी इसी वजह से अभी आर और आर डॉट अल्फा अल्फा डॉट, ये भी मैनुअल आपके सामने आ गया। वैसे ही मैनुअल है या कोई और चीज़? सर मैनुअल है। हाँ सर मैनुअल है। ये हाँ ठीक है, सो ये थोड़ा सा अगर किसी ने इसको सीखना हो तो फिर उस पर वो कर सकता है। ठीक है, इस पे चैनल के ऊपर मेरे ख्याल से मेरा थ्योरी के कुछ एक दो लेक्चर्स भी पड़े होंगे, इसको सीखना चाह रहा हो। ठीक है जी, ये था हमारे पास बॉल एंड बीम से रिलेटेड, तो ये काम आप लोगों ने करना है। जितना बताया उतना मैंडेटरी है, जो वॉलंटियरली का है वो अगर कर देंगे तो बेस्ट है, लेकिन जितना कंफर्म करने का है वो मैंडेटरी है। क्या पहले उसको मैटलैब के ऊपर कर लें, फिर उसका सिमुलिंग मॉडल बना लें सिंपल वाला डबल इंटीग्रल के साथ, और अगर लैपलास का बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, सो लेकिन ये है कि सिंपल सिमुलिंग मॉडलिंग और मैटलैब के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस और उसका रिस्पॉन्स वो कंपल्सरी, दो चीज़ें कंपल्सरी हैं, तीसरी जो है वो ऑप्शनल है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, अब वापस आ जाएं उसके ऊपर, कोई उम्मीद है मसला मसाइल नहीं होगा एज यूजुअल अपने वाइवा की तरफ या उस तरह की चीज़ों के ऊपर। वो भी आपने वहाँ पर मार्क्स देख लिए होंगे जो मुझे रिसीव हुए थे, मैंने वहाँ पे लगा दिए। ठीक है, वो कुछ नहीं जाती, ये बाकी जो चीज़ें इनको देख लेते हैं। ठीक है जी, कितने कितने लोग मतलब ऑब्वियसली वाइवा और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स। लैब 9-10 नहीं, जिसकी जो जो भी पेंडिंग है, अब 9-10 की बारी नहीं, 9-10 गुजर चुकी है, जिसकी जो जो कुछ भी पेंडिंग है अकॉर्डिंग टू द एक्सेल फाइल, वो ऑब्वियसली हर बंदे की मुख्तलिफ सिनेरियो है ना, इसलिए मैं कोई कोर्ट नहीं सिनेरियो कर सकता। सर वहाँ पर लैब नंबर 1 और 2 के नहीं, वो ऑब्वियसली मैंने मेल में लिखा था, बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने मेल लिखी थी, आप उतनी मोहब्बत से मेरी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, एक तरफा मोहब्बत कामयाब नहीं होती, टू वे कम्युनिकेशन जो होती ना वो अच्छी होती। उसमें एक पॉइंट लिखा होता लैब नंबर 1-2 से रिलेटेड, क्या था वो? सर कि वाइवा तैयार करना सिर्फ उसका वो जो प्रैक्टिकल था वो तो सर लैब में कर लिया हमने। हाँ ठीक है जी, हाँ जी, ये जो भाई थे लैब 1-2 के, ठीक हो, क्लियर हो गया बात? जी सर। वो कोई लिखी लिखाई नहीं मिलती, ये किसी दुकान से गाइडलाइन नहीं मिलती, ऑब्वियसली टाइम लगा के लिखता हूँ तो उसको थोड़ा पढ़ लिया करें, लाभ का भला करे सबका, समझे? ऐसे नहीं होता कि मैं कंट्रोल की लैब करवा रहा हूँ तो गाइडलाइन दे दें 10 रुपए की, तो वो 10-15 रुपए गाइडलाइन दे दिए आपको मेल कर। ठीक, सो वो ऑब्वियसली सिनेरियो बेस्ड चीज़ें होती हैं, उसको परखा करे कर, क्योंकि 1-2 की वहाँ पे परफॉर्मेंस आप कर चुके थे तो वो रिपीट करवा के आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ पूछने की ज़रूरत है मुझे कि 1-2 में चले क्या क्या था कुछ ओवरव्यू के लिए। अच्छा, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से इनकी सारी, ये मेरे वो दूसरे होंगे सेक्शन वाले। अच्छा हाँ ठीक है, सो वो सेक्शन था A1। हाँ जी, अच्छा A1 के भी कुछ लोगों की कुछ चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सो अच्छा आज के बाद जो है ना वो ऑब्वियसली फिर अब चीज़ें नहीं चेक करवा रहे जो लोग, या बार बार अभी ऑब्वियसली आज तो करता हूँ, फिर उनके मार्क्स उसके हिसाब से फिर थोड़ा एडजस्टमेंट उसकी करनी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
और इतने में बंडल ऑफ सेशंस वाइवा के लिए डेडिकेट नहीं कर सकता, ठीक है ना, उस पर मैं डेली बेसिस पे, और ना ही मैं हर दफ़ा 10-15 मिनट उसकी समझा के उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। तो चले जी, मैं वाइवा जो है उसको करता हूँ स्टार्ट। तो आप एज यूजुअल क्या करें कि आप मीटिंग को जो है वो बल्कि इसको मैं इस तरह से करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शंस वाली जो मीटिंग है इसको मैं एक दफ़ा क्या करता हूँ कि मैं एंड मीटिंग, अभी इंस्ट्रक्शन सुनने ज़रा, मैं इसको एंड मीटिंग करता हूँ। तो मेरे पास ये सो फॉर अभी जितनी रिकॉर्डिंग है ये एक सेपरेट हो जाएगी, और जब मैं उसको एंड करके यही मीटिंग को जब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो वाइवा वाली ऑब्वियसली पार्टिशनिंग साइड पे हो जाएगी, और मीटिंग वाली जो इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बात समझाई है वो फिर आपको मैं रिकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, बात समझ गए ना। सो अभी मैं इसको अभी मीटिंग को एंड करके दोबारा इसको स्टार्ट कर लेता हूँ वाइवा के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है सर कि हाँ जी, अच्छा सर, जिनके मतलब जिनका सारे सेशंस हो गए हैं उस, ठीक है, तो वो मतलब उनकी अटेंडेंस फिर आप वो जूम के सेशन से कर लेंगे या फिर कैसे? हाँ, बल्कि अल्लाह आपका भला करे, आपने अच्छी चीज याद करा दी, अटेंडेंस लगा ही लेते हैं जूम के सेशन से, किधर करनी है? चलें ठीक है सर। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, बाद में मैं तलाश करता फिरूंगा। स्टार्ट में तो इसलिए नहीं लगाई कि वो कुछ लोग जो हैं वो हल्के में निकले होते हैं तो वो वापस नहीं पहुँचे होते, ज़रूरी काम से गए होते हैं। अच्छा, तो इस पे उसके लिए वो एक वर्ड यूज़ होता है तकाजा का ना, तो उनका जमात वाले कहते हैं ना कोई तकाजा है तो वो पूरा आप कर लें, तो वो तकाजे पे ही निकले होते हैं। अच्छा, सुनिए जी, मेरे पास जी अब्दुल मुकीत प्रेजेंट सर, ठीक है, अली शान चीमा प्रेजेंट सर, ठीक है, फिजान मुस्तफा प्रेजेंट सर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब भी आप एक्सेल शीट देखा करेंगे जो ब्लैंक पोर्शंस होते हैं वो आपके पेंडिंग चीज़ें होती है ना, लोग पूछ रहे होते हैं कि किस किस का वाइवा देना है, ठीक है, तो ये जो ब्लैंक चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली वाइवा के लिए होती है। फिजान मुस्तफा हो गया, ओके जी, हमाद हसन यस सर प्रेजेंट, ठीक है जी, हमजा जावेद यस सर प्रेजेंट, मोहम्मद सिनान आलम यस सर प्रेजेंट, ओके जी, सिनान के बाद सुफियान प्रेजेंट सर, और मोहम्मद अली यस सर, ठीक, मोहम्मद बिलाल शेर खान यस सर, ठीक है जी, मोहम्मद फिजान प्रेजेंट सर, ठीक है, मोहम्मद उमर हयात यस सर, अच्छा जी, मोहम्मद वजीज जुल्फकार प्रेजेंट सर, ठीक है जी, सिद्दाकत अली प्रेजेंट, ठीक है जी, शहीर बिन मारूफ यस सर प्रेजेंट। अच्छा, आप लोगों का मैंने जो LMS है ना उसको भी थोड़ा सा उसमें ऑब्वियसली मैंने, हाँ जी जी बात सर, वो मैदर इज वी गेट एंडस नहीं सर कॉल ही मैदर इज वी, कौन सा सेक्शन आप लोगों का, अहमद मलिक साहब वाला था या मेरे पास थे सर? आपके पास ही है A1, A1 के भी मैं लगानी है अटेंडेंस। अच्छा सर, ठीक हो गया। तो आप लोगों का जो LMS है ना उसके ऊपर मैंने ऑब्वियसली जो मेरे पास पहले से चीज़ें, मेरे पास जो पहले से सेक्शंस थे उनकी, तो मैंने पेजेस के ऊपर सारा डेटा अपलोड किया हुआ था। सो जो अभी मेरे पास सेक्शंस आए हैं उनके वहाँ पे मार्क्स वगैरह या लैब मैनुअल या इस तरह की चीज़ें वो आपने थोड़ा देखी होंगी, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वहाँ पे लगा दूँ, तो वो मैंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर दी हुई है। अभी आज ज्वाइन किया फाद अली ने? यस सर। फाद अली किधर होते हैं आप? लिफ्ट में ठीक करवा रहे कोर्स लैब को, हैं
सर वो पिछले वीक में नहीं आ सका, एब्सेंट था जरा, तो मेरे वाला सेक्शन मंडे को था जो मेरे पास होता है। यस सर मंडे को होता जी। आमना अख्तर प्रेजेंट। ठीक है जी। आमना नूरुल हुदा प्रेजेंट। ठीक है जी। बिलाल अहमद, बिलाल 010 नहीं है। फहद अली यस सर प्रेजेंट। ठीक है। मरियम सिकंदर प्रेजेंट। ठीक है। मियां जुनेद मुजम्मिल प्रेजेंट। ठीक है जी। और मोहम्मद रघुमान साबिर यस सर। ठीक है। मोहम्मद आसिफ प्रेजेंट। कौन? मोहम्मद आसिफ यस सर। अच्छा। मोहम्मद बिलाल हसन 020 मोहम्मद बिलाल हसन कोई नहीं। मोहम्मद मैदी रिजवी प्रेजेंट सर। ठीक है। नताश प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद समीर आरिफ प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद वलीद अहमद यस सर प्रेजेंट। नुमान अहमद यस सर प्रेजेंट। ठीक है जी। शुएब जफर यस सर प्रेजेंट। शुएब आप भी ऑफिसर बंदे हैं, समझ रहे हैं ना ऑफिसर क्यों है? नहीं नहीं सर, मैं आपको बताया था सर, मेल की थी मैंने। जो ऑफिसर होते हैं उनको ए ग्रेड मिलता है, लेकिन उनके ए के साथ एस भी लिखा होता। नहीं सर अल्लाह करे जी, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि आपको सिंपल वाला ए मिले बगैर एस के, तो नेक तमन्नाएं हैं। बाकी देखना ये है कि आपके अपने लिए कैसी तमन्नाएं, अल्लाह बाप। चलें जी। उमर यूनस, उमर यूनस कोई नहीं है। यही है इमरान। ठीक है जी। चलें जी। चल लास्ट टाइम कुछ जब मेरे पास मैं वाइवा वगैरह ले रहा था, तो चीज़ें मुझे चेक वगैरह करवा रहे थे, तो ऑन द स्पॉट अगर किसी को थोड़ा बहुत इशू हो तो वो ऑब्वियसली उसने स्क्रीन शेयर की होती है, उसमें उसको गाइडलाइन वगैरह या जो ऑब्वियसली ऑनलाइन इन्वायरमेंट के अंदर पॉसिबल होता है गाइड वगैरह कर देता होता हूँ। सो जिनकी सारी चीज़ें चलें जी क्लियर हैं, जैसे कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे उनका फ्रॉम द डे फर्स्ट, पहली दूसरी तीसरी पांचवी और सातवीं सारी लैब के मार्क्स हैं, फिर उन्होंने 9-10 के वाइवा वगैरह दे दिया। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं उनको, तो वैसे ही यानी कि काम एंड हो चुका है, मीटिंग में रहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग जिन्होंने आज वाइवा देना है, ठीक है, वो मीटिंग को जो है वो अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ, तो दोबारा से आप मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उनका मैं वाइवा जो है वो कंडक्ट कर लेता हूँ। ये पहले कोविड में मैं लिंक क्रिएट कर करके परेशान हो गया था, सो ठीक है, लिंक कोई नहीं है, लिंक एक ही है। ओके सर। ओके जी।